स्टूडेंट्स, एक चीज मैंने बताया था कि आप यदि एसी और डीसी को बहुत अच्छे समझना चाहते हो ना, तो आप यूट्यूब में कॉन्फ्लिक्ट देखो, टेस्ला, निकोला टेस्ला वर्सेस उनके सुपरवाइजर जो थे, क्या था, थॉमस एल्वा एडिशन, ठीक है? तो उनके बीच का कॉन्फ्लिक्ट देखो, बहुत मजा आएगा और बहुत एंटरटेन करोगे आप इस चैप्टर को, ठीक है? सो लेट मी टेल यू, व्हेन यू हैव दिस एसी सोर्स एंड यू हैव कनेक्टेड दिस रेसिस्टर इन द सर्किट, एसी सर्किट, ऑलराइट, सो व्हाट काइंड ऑफ बिहेवियर will you see, what kind of relationship will you see between this AC voltage and current that we are going to study, clear? तो यहाँ पे जो phase difference हमको मिलता है, when you have, जब आप connect करते हो इसको, तो चलिए हम देखते हैं current का relationship देखते हैं। यदि हमको दिया हुआ है E equals to E naught sin omega t दिया हुआ है, और हम current निकालना चाहते हैं, resistance connect किया है, क्या करते हैं हम? आपको Ohm's law तो पता ही है ना, V upon V upon R equals to I, so dividing both sides by, capital R, ठीक है? capital R से divide कर दो तो क्या जाएगा, E divided by R equals to E naught divided by capital R sin omega t, clear? so here you have got this I equals to I naught, है ना, I naught sin omega t, ठीक है? This is very important expression. You compare this expression with this expression. What you are getting? They are in the same phase. They are in the same phase. Your AC voltage you are providing this source is has this value, and this, the current which is generating has this value. So you compare this. But the amplitude, let me tell you the phase, the wave diagram. Wave diagram को आप समझिए. तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि यदि दिस वॉज योर 0 pi 2 pi, इट विल हैव अ सेम फेज, ऑलराइट, बट द एम्पलीट्यूड इन द केस, इन दिस केस इज डिक्रीजेस. एम्पलीट्यूड जो होता है इसमें क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है, मतलब योर करेंट विल हैव, विल बी इन द सेम फेज, विल बी इन द सेम फेज, बट डिफरेंस इन द एम्पलीट्यूड ओनली. So if you represent it by your phasor diagram, let me write this phasor diagram. चलिए यहाँ पे समझ लेते हैं phasor diagram. Phasor diagram को समझते हैं, ठीक है? तो क्या करते थे phasor diagram में? We have the rotating vectors which were relating these two quantities. That is your EMF or the AC voltage and the current. So draw it in such fashion. आप draw कर लिए इसको. फिर उसके बाद क्या होता है कि हम क्या करते थे, एक दे आर इन द सेम फेज, ऑलराइट, सो दिस इज योर, दिस इज योर ई नॉट, आपको ई नॉट मिला था यहां पे पीक वैल्यू, एंड दिस इज रोटेटिंग वेक्टर, है ना, ऑलराइट, सो यू हैव गॉट दिस एंड इट हैज प्रोजेक्शन हियर, ऑलराइट, इट हैज प्रोजेक्शन, ठीक है? तो E naught has projection here, so you will have definitely have the rotating vector projection यहाँ पे है, तो that is E equals to E naught sin omega t, इसको follow कर गया, ठीक है? लेकिन your current is also in the same phase, but you have only difference is this that its amplitude is, अब यहाँ पे आपका जो red वाला दिख रहा है ना, red वाला मैं दिखा रहा हूँ इसमें, तो ये red वाला जो है ये वाला, तो ये इसका जो ये जोड़ लेना आप अच्छे से, है ना, तो ये दिस इज योर आई नॉट, दिस इज योर आई नॉट इज हैविंग सेम फेज बट दे हैव डिफरेंट एम्पलीट्यूड वैल्यू, सो इट हैज आई नॉट दिस वैल्यू, सो यहां से लेके यहां तक जो आपको वेक्टर मिलेगा दैट विल इज इन द सेम डायरेक्शन बट द एम्पलीट्यूड हैज चेंज, सो इट विल हैव आई इज इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, क्लियर? तो इस तरीके से आप फेज और फेज रिलेशनशिप देख सकते हो ईएमएफ वर्सेस आई में.
आप समझ पा रहे हो इससे, दिस इज कॉल्ड अ फेजर डायग्राम, यू आर यूजिंग दिस वेक्टर टू रिप्रेजेंट द रिलेशनशिप बिटवीन दिस एसी वोल्टेज एंड द करंट. स्टूडेंट्स वी हैव नाउ दिस एसी करंट विद द प्योर इंडक्टर. इस केस में आपको तो इतना पता ही है कि आप एसी वोल्टेज इक्वल्स टू ई नॉट साइन ओमेगा टी आप प्रोवाइड करा रहे हो, और इस इंडक्टर में जो इफेक्ट पड़ेगा हम उसको देख रहे हैं. ठीक है, यदि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है तो डेफिनेटली इसमें करंट, यदि एसी करंट फ्लो होना स्टार्ट हुआ तो हमको एक चीज पता है कि एसी करंट जब भी फ्लो होता है मतलब दैट इज ऑसिलेटिंग, दैट इज चेंजिंग विद द टाइम. सो डेफिनेटली देयर विल बी एन इंड्यूस्ड ईएमएफ इन दिस एंड दैट इंड्यूस्ड ईएमएफ अपोजेस दिस करंट. ठीक है, सो द सम वर्क हैज टू बी डन एंड सो दैट वी स्टडी दैट. तो यहाँ पे इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या जनरेट हुआ, माइनस एल डी आई बाय डी टी इन द इंडक्टर. सो इफ यू आर अप्लाइंग द ईएमएफ दैट इज इक्वल्स टू दिस, यदि सपोज करिए आप इतना ईएमएफ अप्लाई कर रहे हो तो हम निकालना चाहते हैं कि व्हाट अमाउंट ऑफ करंट विल ना कितना जनरेट होगा और कैसे आपका एसी वोल्टेज करंट के साथ रिलेटेड होगा. ठीक है, उसको हम समझेंगे. सो प्लीज इंटीग्रेट इट. सो यू विल हैव दिस डी आई बाय डी आई इक्वल्स टू ई बाय एल E not, यहाँ पे लिख दो आप E not sin omega t dt. Clear? So when you will solve it, you will have the here I total, जो net integration है आपको total current I मिलेगा, that you represent by I. ठीक है, I is equals to E not divide by L, E not divide by L, और जब sin omega t को आप integrate करोगे तो that will be equals to minus cos omega t डिवाइड बाय ओमेगा. आपको इंटीग्रेट करते आता है तो आप इसको सबसे पहले क्या मानोगे, एक्स मानोगे, उसको डिफरेंशिएट करोगे, फिर उसको किसको टर्म में लाओगे, डीएक्स का टर्म में लाओगे, फिर उसको आप इंटीग्रेट कर दोगे तो आपको इस टाइप का वैल्यू मिलता है. ठीक है, सो यू हैव फाइनली गेट आई इज इक्वल्स टू ई नॉट माइनस ई नॉट डिवाइड बाय एल ओमेगा दैट इज कॉस ओमेगा, कॉस ओमेगा टी. इतना क्लियर? सो आपको एक चीज और बता दूं मैं कि जब माइनस कॉस ओमेगा टी होता है, कॉस ओमेगा टी आपका माइनस में है, तो यू कैन राइट इट इन दिस फैशन, माइनस साइन पाई बाय 2 माइनस थीटा साइन के टर्म्स आप लिख सकते हो, दैट इज ओमेगा टी. ऑलराइट, सो ओके, सो दिस इज माइनस साइन पाई बाय 2 माइनस ओमेगा टी. तो यदि आप साइन 90 माइनस थीटा कर रहे हो तो कॉस इस तरीके से आ जाएगा. तो यदि आप इसको यहां से माइनस हटाना चाहते हो क्या होता है, आपको एक साइन माइनस थीटा पता है, साइन माइनस थीटा उसको क्या होता है, साइन थीटा माइनस साइन थीटा. ऑलराइट, ये पता है ना आपको, तो आप यहां पे वही कर दो, यहां पे साइन, यहां पे आप माइनस कॉमन ले लो, साइन माइनस थीटा हो जाएगा. ठीक है, तो दिस इज ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2. क्लियर, इतना समझ आया? तो आप साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा. ठीक है, प्लीज रिमेंबर इट. So you will have an expression minus cos omega t is equals to sin omega t, sin omega t minus pi by 2. तो आप इसकी जगह में क्या रख सकते हो, प्लीज नोट इट, है ना, कि आप इसकी जगह में minus cos omega t की जगह क्या रख सकते हो, sin omega t minus pi by 2 in the terms of sin. साइन के फॉर्म में हमको लिखना था साइन, क्योंकि साइन सिनुसॉइडल फंक्शन की हम बात कर रहे हैं, आपका ई नॉट साइन ओमेगा टी है, हम आई को भी साइन के फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहते हैं. ठीक है, तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो जो आपको आई की वैल्यू मिली थी, इसको आप इक्वेशन नंबर 1 दे दो. ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2. ठीक है, तो आप फर्स्ट को सेकेंड, सेकेंड को फर्स्ट में रख दो. सो क्या मिलेगा आपको, आई इज इक्वल्स टू That is E naught L omega into cos omega t. Cos omega t क्या है, क्योंकि sin omega t minus pi by 2. इतना समझ आ गया. अब this is the value which is equals to I naught. I naught is the peak value of the current. ठीक है, so E naught upon, क्योंकि आपको एक चीज बता दूं मैं कि जब आप ohm's law use करते हो तो क्या होता है, V upon R equals to क्या होता है, I. ये पाया ना आपने, तो यहाँ पे E is AC voltage, alright, so divided by this L omega will act as R, तो इस inductor का एक क्या होगा, resistance भी होगा, that is called inductive reactance, in terms इस inductor के case में, जो कि current को क्या करता है, oppose करता है, ठीक है, so this
बिकॉज ऑफ द इंड्यूस ईएमएफ जनरेट होगा तो इसमें एक रेजिस्टेंस क्रिएट करता है वो, तो दैट इज कॉल्ड इंडक्टिव रिएक्टेंस ऑफ द इंडक्टर, तो दैट अपोजेस द फ्लो ऑफ द करंट। क्लियर बात? तो इस यहां पे जो एल ओमेगा आपको दिख रहा है दैट इज इक्वल्स टू आर, यहां पे लेकिन इसका एल के केस में हम डिफरेंट सिंबल यूज कर सकते हैं, तो हम डिफरेंट सिंबल यूज कर सकते हैं, तो दैट इज सॉरी चलिए इसको जो हम पहले आई इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय। क्लियर? जब इसकी वैल्यू 1 होगी तो इस केस में आपका I not equals to E not divided by L omega होगा, तो आप क्या कर सकते हो I is equals to I not sin omega t minus pi by 2, इस तरीके से आप लिख सकते हो। ठीक है, तो इतना समझ में आ गया, अब आगे देखते हैं। क्लियर? तो आपने एक एक्सप्रेशन निकाला that is I not sin omega t minus pi by 2, से क्या समझ में आ रहा है कि जो आपका I है that is lagging behind the EMF, आपका E क्या है E is equals to E not sin omega t, आप देख पा रहे हो इसका फेस क्या है omega t, इसका omega t minus pi by 2, we have got these two expression that is I equals to I not sin omega t minus pi by 2 and for E is AC voltage equals to E not sin omega t, so when you have this relationship with this the help of this wave diagram, so we have this for the E is equals to E not sin omega t, we have written this है ना, तो आपका जो ये फंक्शन जो ये ट्रबल कर रहा है सिनुसॉइडल फंक्शन इज इक्वल्स टू ई नॉट ओमेगा टी है ना, दिस ब्लैक पोर्शन एंड दिस साइन इज लैगिंग बिहाइंड पाई बाय 2, सो दिस विल स्टार्ट फ्रॉम पाई बाय 2 एंड विल मूव लाइक दिस इन सेम फॉर्म, बट देयर इज अ फेज डिफरेंस ऑफ पाई बाय 2 बिटवीन दिस करेंट एंड दिस इज आई है ना, आपको ये जो दिख रहा है ये दिस इज आई नॉट, ठीक है, this is I naught that is equals to this value and your E naught which is the black portion this is equals to E naught sin omega t, please remember this and there is a phase difference of pi by 2. Clear? So if we want to represent it with the help of phasor diagram in which we use the rotating vector, so this is the rotating vector of as I told in the previous classes that such kind of diagram you would have seen there. तो यहाँ पे जो आपका E का रिलेशन है आपका जो रोटेटिंग फैक्टर है that is this and उसका प्रोजेक्शन जो है आपको E not इधर मिल रहा है, ठीक है, आपका रोटेट कर रहा है किस डायरेक्शन में, this is anti-clockwise direction, so here also it is because it is lagging behind this pi 90 degree or pi by 2, so that's there is a phase difference of pi by 2. Clear? So this is I not is moving, जैसे जैसे आपका आई मूव करता जाएगा इधर इसका प्रोजेक्शन इधर किस तरह होता जाएगा, जैसे जैसे आपका आई जो है इसको क्या कर रहा है इसका पीछा कर रहा है किसका ई का, तो इट विल मूव टू दिस साइड एंड द प्रोजेक्शन ऑन दिस विल बी समवेयर डिक्रीजिंग है ना, तो इसका जो आपका आई का वैल्यू डिक्रीज होता जाएगा और ई का वैल्यू इंक्रीज होता जाएगा, सो दिस प्रोसेस विल कंटिन्यू है ना, सो दिस इज ऑल अबाउट द फेज डायग्राम and in which you can see this omega t is the angle between this for this and this is pi by 2 is the angle difference which is because of this omega t minus pi by 2. Clear? So I or I naught ke beech mein aap dekh sakte ho E naught or I naught ke beech mein there is a difference of pi by 2. So this is all about, so let me tell you about a relationship that we studied, in that we have I is equals to E naught divided by L omega, ठीक है, हमको ये रिलेशनशिप मिला था आई नॉट इक्वल्स टू ई नॉट एल ओमेगा, जहां पे हमने एक चीज आप यहां पे देख पा रहे हो कि वी इक्वल्स टू आई आर होता है, वी इक्वल्स टू आई आर और आई इक्वल्स टू क्या होता है वी अपॉन आर इक्वल्स टू आई, क्लियर, यही होता है, तो हियर इट इज एक्टिंग एज अ वी एसी वोल्टेज एंड दिस इज एक्टिंग लाइक आर, इट इज आर रिएक्टेंस, वी कैन से इट इज अ इंडक्टिव रिएक्टेंस, ठीक है, इट इज अ एक एक रेजिस्टेंस ही होता है लेकिन किसका है इंडक्टर का, इसलिए इसको बोलते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस, व्हिच अपोजेस द करंट, क्या करता है करंट को अपोज करता है रोकता है, क्लियर, जैसे रेजिस्टेंस रेजिस्टर होता है वो रोकता है उसी तरीके से ये इंडक्टर का एक प्रॉपर्टी है और इसको ये आप देख पा रहे हो, ठीक है, सो दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय एक्ससी एक्सएल एक्सएल व्हिच इज इक्वल्स टू एल ओमेगा, तो ठीक है आप I नॉट को कैसे लिख सकते हो E नॉट डिवाइड बाय E नॉट डिवाइड बाय X C, क्लियर, इतना समझ में आ गया,
अब आप एक चीज समझिए कि जब आप यहां पे ओमेगा, यदि सपोज करिए एसी वोल्टेज हम यूज कर रहे हैं, उसका ओमेगा जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी है बहुत ज्यादा है, लेट मी राइट दैट, इतना समझ में आ गया ना आपको, इसको रब करता हूं मैं, ठीक है? आप देखिए, अब सपोज करिए व्हेन योर दिस ओमेगा इज लार्ज, यदि ओमेगा लार्ज है तो इस रिलेशन से आप क्या समझ पा रहे हो, इज इक्वल्स आई नॉट इक्वल्स टू I not equals to E not divided by L omega से आप क्या समझ रहे हो? जब L, जब आपका omega जो है, यदि वो large हो गया, तो इस case में I not will be very small, हाँ, very small, ठीक है? मतलब it will block the current. यदि आपने inductor लगाया हुआ है यहाँ पे, और यदि आप जो provide करा रहे हो omega, यदि उसकी frequency क्या है, बहुत ज़्यादा हुई, very large. In that case, आपका इसका जो रिएक्टेंस है, इंडक्टिव रिएक्टेंस, वो भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा. आपको इधर तो पता है ना इंडक्टर कैसे हमने पढ़ाया था कि जब आप जो सोर्स है यदि उसको बहुत तेजी से आप चेंज करोगे तो उससे क्या हो जाएगा, जो उसके कारण जो इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट होता था अपोजिट डायरेक्शन में, वो भी क्या हो जाएगा, बहुत तेजी से बिल्डअप कर लेगा, ठीक है? तो वही चीज हो रही है यहाँ पे कि जो जितना तेजी से इसका ओमेगा चेंज होगा उतनी तेजी से इसका जो इंडक्टिव रिएक्टेंस है वो बढ़ जाएगा, ठीक है? सो दिस विल इंक्रीज योर इंडक्टिव रिएक्टेंस. क्लियर? तो यदि ओमेगा बढ़ गया तो इंडक्टिव रिएक्टेंस बढ़ जाएगा, मतलब XL आपका बढ़ जाएगा, तो उससे क्या हो जाएगा, इट विल एक्ट एज अ ब्लॉकर ऑफ द करंट. तो ये करंट को क्या कर देगा, ब्लॉक कर देगा. क्लियर? इतना बात समझ आ गया. नाउ यदि इसी केस में अपने हमने क्या यहां पे लिया एसी फॉर द एसी, फॉर डीसी के केस में क्या होगा, डीसी के केस में क्या हो जाएगा, ओमेगा जीरो, कोई चेंज होता नहीं उसमें अगले फ्रीक्वेंसी में, ठीक है? यदि यहां पे ओमेगा जीरो हो गया फॉर द डीसी केस, तो उस केस में क्या हो जाएगा, आई नॉट इक्वल्स क्या हो जाएगा, ई डिवाइड बाय जीरो, व्हिच इज इक्वल्स टू इनफिनिटी. मतलब इन केस ऑफ आपका डीसी के केस में क्या होगा, यदि ओमेगा जीरो हो जाएगा तो इस केस में आपको जो करंट हैगा उसको कोई ब्लॉक नहीं कर सकता, दैट विल कंटीन्यूअसली फ्लो, है ना? मतलब कोई इसमें दिक्कत नहीं है, वो फ्लो होता रहेगा. क्लियर? इतनी बात समझ में आ गई. तो इन द केस ऑफ एसी, इफ योर ओमेगा इज लार्जर, in that case your I is very small, that means it will block the current. But in the case of DC, because there is no frequency, there is no angular velocity, therefore it will have I not equals to E infinity. मतलब infinite current को ये pass नहीं दे सकता है, कोई दिक्कत नहीं. इतना clear समझ आ गया. तो here we have used a term that is called inductive reactance, which is a kind of a resistance of the inductor. Students, as you know that this is your applied EMF. This is equals to E naught sin omega t. And now in this case, we have just replaced your inductor with this capacitor. Now let us see that what happens, the what kind of relationship between your AC voltage and current is there. So let me write here that Q equals to C into V, as you know. So in place of here, we are using E. All right. So let me differentiate both side by with the t, क्योंकि time के साथ vary कर रहे हैं. So this is equals d by dt. Clear? So this d by dt is equals to e naught sin omega t. इतना तो आपको पता ही है, है ना? So now this is your c into e naught, और sin omega t को आप differentiate करो क्या आएगा, cos omega t, और यहाँ से क्या निकलेगा, omega. तो omega हमने यहाँ रख दिया. Clear? So this dq by dt is I. आपको क्या मिला, ये I की वैल्यू मिली. आप यहां पे देख पा रहे हो कि this cos omega t को आप कैसे लिख सकते हो, cos omega t को sin के फॉर्म में कैसे लिख सकते हो, because we want in the form of sin. तो sin के फॉर्म में लिखने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, I is equals to c e naught omega sin 90 plus theta लिख सकते हो. याद करिए आप ये रिलेशनशिप जब आप पढ़ते थे कि cos 90 minus theta या फिर sin 90 minus theta, sorry, और sin 90 plus theta, sin 90 plus theta के केस में क्या होता था कि और sin और cosec जो theta होते थे, sin 90 plus theta और your cosec 90 plus theta, है ना, चेंज होता था sin से cos में, लेकिन sin जो हमको मिलता था that was always positive, है ना? मतलब कि sin 90 plus theta equals to cos theta, cosec 90 minus theta equals to sec theta. तो इस तरीके से याद करिए, आपको पता होगा ये चीज, है ना? और बाकी जो चीजें थी वो नेगेटिव में आती थी.
clear? So here we are interested in taking the value this positive. So that's why we have written this pi by 2 plus theta. ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री अच्छे से आनी चाहिए तभी हो पाएगा. तो ये इतना सुना है, I equals to C E naught omega sin pi by 2 plus omega t. Clear? इसको आप ऐसे लिख सकते हो sin के फॉर्म में, क्योंकि we are interested if we are comparing these two relationship in the terms of sin. Clear? So now if we want to get the maximum value of current, then this should be 1 for maximum current. क्या होना चाहिए दोस्तों? दिस साइन पाई बाई टू प्लस ओमेगा टी शुड बी इक्वल्स टू 1. यदि 1 हो गया तो आई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? आई इक्वल्स टू सी ई नॉट ओमेगा. तो हम इसको रिप्लेस कर देते हैं, दैट इज हमने इसको मैक्सिमम बोला है इसलिए आई नॉट से. क्लियर? इतना समझ में आ गया? तो वी आर रिप्लेसिंग दिस इक्वेशन 1, दिस इज इक्वेशन 2. सो फ्रॉम 1 and 2 क्या मिलेगा? I is equal to I naught sin pi by 2 plus omega t, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो omega t, क्योंकि sin क्योंकि इसमें कोई माइनस का मामला तो है नहीं, है ना? तो आप ऐसे लिख सकते हो omega t plus pi by 2. That means your current in this case is leading over applied EMF. जो आप अप्लाइड EMF दे रहे हो, इसमें जो करंट है वो लीड करेगा कितने एंगल से? पाई बाई टू एंगल से. क्लियर? तो कैपेसिटर के केस में क्या करना पड़ेगा कि व्हेन यू विल प्रोवाइड द करंट टू इट, देन आफ्टर दैट यू विल हैव एन इंड्यूस्ड EMF. उसके बाद इसमें एक EMF जनरेट होगा. किसमें? इस कैपेसिटर में. सबसे पहले क्या होगा? करंट. उसके बाद और इंडक्टर के केस में क्या था? जब आप प्रोवाइड करा रहे थे, आप EMF प्रोवाइड करा रहे थे, उसके बाद वो पाई बाई टू के बाद क्या होता था? करंट आपको जनरेट होता था. कैपेसिटर केस में तुरंत उसमें आपका करंट जनरेट होने लगता था, लेकिन इस केस में आपका करंट आप पहले दोगे, उसके बाद आपको उसमें EMF जनरेट होगा. ठीक है, क्लियर बात है? इतना समझ में आ गया? तो नाउ अब एक चीज, अब इसका वेव डायग्राम हम समझते हैं. वेव डायग्राम, ठीक है, चलिए वेव डायग्राम समझते हैं, उससे समझ में आ जाएगा आपको. इफ दिस इज एंड इफ यू हैव, दिस इज अप्लाइड EMF, दिस इज ई नॉट. ठीक है, ये आप जो E इक्वल्स टू ई नॉट साइन ओमेगा टी दे रहे हो उसका है मामला. ठीक है, और इस केस में आपका क्या कर रहा है? आपका करंट क्या कर रहा है? वो लीड कर रहा है. दिस इज योर जीरो, और ये जब EMF जीरो पे है तो उस समय करंट कितने पे है? पाई बाई टू पे. सो ठीक है, पाई बाई टू से आपका करंट यहां पे जनरेट होगा कुछ इस तरीके से ज्यादा. ठीक है, तो यहां पे जब ये पाई बाई टू पहुंचेगा उस केस में ये कहां पहुंच जाएगा? पाई पे. समझ आ रहा है? जब ये आपका EMF जो है पाई पे पहुंचेगा, पाई बाई टू पे, योर दिस करंट, दिस इज आई, करंट जो है वो पाई पे पहुंच जाएगा. देयर इज अ फेज डिफरेंस ऑफ पाई बाय 2. लेकिन इस केस में क्या है? करंट इज लीडिंग ओवर ई. ठीक है, तो आप इस तरीके से समझ पा रहे हो. तो अब उसके बाद देखिए, ये तो ठीक है, हमने इसको यहां पे लिख लिया, तो इसका आपको जरूरत नहीं है, आप इतना समझ गए हो, बहुत पर्याप्त. ठीक है, अब नाउ फेजर डायग्राम को देखते हैं. फेजर, ठीक है, फेजर डायग्राम को यदि आप देखें, इट विल हैव यहां पे जो आपका जो EMF जो है, सपोज करिए EMF क्या है आपका? ये E नॉट. ठीक है, इसका प्रोजेक्शन आपको यहां पे मिल रहा है. ठीक है, तो यहां से आपको यहां तक क्या मिल गया? दैट इज E इक्वल्स टू E नॉट साइन ओमेगा टी. ठीक है, बट योर करेंट इज लीडिंग, आपका जो करंट है वो लीड कर रहा है. ठीक है, चलिए इधर लिख देते हैं, ये जो वैल्यू है इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी. क्लियर? इतना. अब ये जो आपका ये करंट जो है वो लीड कर रहा है ओवर दिस ई. सो हियर तो आपको जो यहां पे मिलेगा,
दैट इज आई नॉट, ठीक है. तो आई नॉट इज लीडिंग एंड देयर इज अ फेज डिफरेंस ऑफ, यहां पे ओमेगा टी है एंगल, तो यहां से यहां तक का जो डिफरेंस होगा दैट विल बी योर पाई बाई टू. इतना फर्क आ गया कि दिस इज ई नॉट, दिस इज आई नॉट, स्मॉल आई नॉट, ठीक है. और ये जो आपको ये जो वैल्यू दिख रहा है यहां से यहां तक, दैट इज योर ई इज इक्वल्स टू आई इज इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, साइन ओमेगा, साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू, क्लियर है. तो दिस इज यहां पे ये हो जाएगा और ये, तो आप देख पा रहे हैं देयर इज अ फेज डिफरेंस ऑफ पाई बाई टू. सो दिस इज द फेजर डायग्राम, है ना, कि वेक्टर इसमें रोटेट करेगा जब आपका इधर डायरेक्शन में रोटेट करेगा तो ये इधर रोटेट करेगा इस तरीके से. इतना समझ में आ गया. सो दिस इज एंगल ओमेगा टी एंड दिस इज डिफरेंस दैट इज पाई बाई टू. सो इट विल हैव आई इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय टू. इतना समझ में आ गया. तो यहां पे आप देख सकते हो पाई बाई टू का डिफरेंस है इन दोनों के बीच में. अब एक चीज और बहुत इंटरेस्टिंग चीज डिस्कस करते हैं. चलिए आपको यहां पे एक चीज दिखा, दैट वॉज आपको एक चीज यहां पे दिख रहा होगा आई इक्वल्स टू आई नॉट इक्वल्स टू सी ई नॉट ओमेगा, ठीक है. एक चीज आपको पता है कि जब हम ओम्स लॉ यूज करते हैं तो हमको क्या मिलता है, यहां पे आर इक्वल्स क्या होता है, बी इक्वल्स टू आई आर होता है, आई आर होता है, तो बी अपॉन आई इक्वल्स टू आर, ठीक है. तो यहां पे ई अपॉन आई नॉट हम यदि निकाले तो हमको क्या मिलेगा, वन अपॉन सी ओमेगा इक्वल्स टू ई नॉट अपॉन आई नॉट, ठीक है. तो दिस इज अपोजिशन टू द करेंट, दिस इज अपोजिशन टू द करेंट. सो वट इज दिस वैल्यू, दिस वैल्यू इज कॉल्ड कैपेसिटिव रिएक्टेंस ऑफ द कैपेसिटर, मतलब कि इट हैज ऑल्सो एबिलिटी टू अपोज द करेंट जनरेटेड इन इट. तो दैट वैल्यू इज इक्वल्स टू, हम इसको क्या नाम दे सकते हैं, एक्स सी. सो एक्स सी इज अ कैपेसिटिव रिएक्टेंस ऑफ दिस कैपेसिटर विच हैज अ टेंडेंसी टू अपोज द करेंट, है ना. सो दिस इज वन अपॉन सी ओमेगा. अब यहां पे चलिए केस लगाते हैं कि हम डिफरेंट डिफरेंट केसेस को स्टडी करते हैं, बहुत मजा आएगा. केस वन देखिए कि जब आपने एसी लिया, एसी लिया और उसमें आपने ओमेगा को, ओमेगा इज लार्ज, ओमेगा इज लार्ज. अब यहां के केस में आप देखिए जब ओमेगा लार्ज हो जाएगा तो उस केस में चलिए ठीक है देखते हैं क्या होता है. यदि ओमेगा लार्ज हो गया तो उस केस में आपका जो एक्ससी है, जो कैपेसिटिव रिएक्टेंस है, कैंसर रेजिस्टेंस है, उसका क्या हो जाएगा, वो कम हो जाएगा. मतलब इट इज इट विल अलाउ करेंट टू पास, ठीक है. ये क्या करेगा, करेंट को पास होने देगा क्योंकि ओमेगा जैसे लार्ज हो जाएगा तो आपका जो ये रेजिस्टेंस है, इंडक्टिव जो कैपेसिटेंस है, दैट विल बी रिड्यूस्ड, ठीक है. इंडक्टिव रिएक्टेंस जो है वो कम हो जाएगा, रिएक्टेंस इज काइंड ऑफ रेजिस्टेंस, ऑलराइट. सो वो कम हो जाएगा तो आपका करंट इज फ्लो होने लगेगा इन द केस ऑफ एसी. केस टू डीसी भी लो, ओमेगा क्या हो जाएगा, जीरो. यदि ओमेगा यहां पे जीरो हो गया क्योंकि डीसी का तो ओमेगा होता नहीं ना, तो ओमेगा क्योंकि इसलिए नहीं होता क्योंकि उसमें कुछ इस तरीके से एकदम कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है. आपके लिए आप जो मैंने बताया था, तो XC is equals to क्या हो जाएगा उस केस में, XC is equals to 1 upon 0 which is infinite capacitive reactance हो जाएगा, बहुत ज्यादा उसका reactance हो जाएगा. That's why it will block the current. It is opposite to, देखिए आप सीधे सीधे opposite है जिसका inductor का. इंडक्टर में क्या करता था, इसको ब्लॉक करता था, इसको पास होने देता था. कैपेसिटर में क्या है कि एसी को पास होने देगा और डीसी को ब्लॉक कर देगा. वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज आर दिस, ठीक है. सो प्लीज रिमेंबर कि एसी के केस में अलाउड टू पास और डीसी के केस में क्योंकि ओमेगा जीरो हो जाएगा तो वन अपॉन ओमेगा इज इनफाइनाइट. सो इट विल हैव इनफाइनाइट कैपेसिटिव रिएक्टेंस इन दैट केस, क्लियर. सो इसलिए यहां से पूरी करंट ब्लॉक हो जाएगी, यहां से कुछ नहीं फ्लो होगा. दिस इज ऑल अबाउट the AC circuit with a pure capacitor.